हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमें श्री। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं तो एकदम अच्छी हूँ। तो आप सभी को मुझे देखकर शायद पता चल गई है कि आज के वीडियो की टॉपिक क्या होने वाली है। तो हाँ दोस्तों, आज के वीडियो के टॉपिक है होली हैक्स और होली टिप्स के बारे में। तो दोस्तों अभी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए हम सब लोग अच्छे से इस साल होली नहीं मना पा रहे हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स और ऐसी कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आप थोड़ी सी सिक्योर होकर अपनी होली मना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चाहूँगी नंबर वन टिप्स वो यही है कि आप जब होली खेलने जाएँ तो आपके बाल अच्छे से टाइट करके बंधे हुए हो। आप जैसे मैं अभी खुली हुई हूँ, अभी ऐसे होली ना खेले। तो ऐसे होली खेलने से प्रॉब्लम यही होती है कि आप जब भी होली खेलेंगे आपके बालों पे कलर गिरने के साथ साथ आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए आप ऐसे खुला बाल को छोड़कर होली मत खेलिए। आप अच्छे से एक बन बना लीजिए और एक ब्रेड बना लीजिए और अच्छे से बालों को टाइट करके रखें और होली खेलिए। तो दोस्तों नंबर टू यही है कि कोकोनट ऑयल की इस्तेमाल। तो आप जब होली खेलने जाए उसके पहले आप अपने स्किन पर और अपने बालों पर ज़रूर कोकोनट ऑयल लगा कर जाए। तो इसे लगाने से होती क्या है कि आप जब रंग खेलने के बाद जब आप नहाते हैं, आपके स्किन को साफ करते हैं, उसके बाद आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाती है। कभी कभार केमिकल रिएक्शंस की वजह से रंग की केमिकल्स जो होती है उसकी वजह से आपकी स्किन पर इरिटेशन और इन्फेक्शन भी होने लगते हैं। जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप अगर कोकोनट ऑयल लगा कर जाए तो इस सबसे छुटकारा ज़रूर मिलती है। और हाँ, आप अगर कोकोनट ऑयल अपने बालों पर भी लगाए तो आपके बालों को ड्राई और डैमेज करने से बचाती है अपने बालों को। तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो दोस्तों नंबर थ्री टिप्स यही है कि होली को दिन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो जाती है हम सब लड़कियों की, वो यही है कि नेल पेंट और नेल को बचाना। हाँ, तो नेल को बचाना एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाती है हम सब लड़कियों की। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए एक सलूशन लेकर आई हूँ, वो यही है कि आप जब होली खेले तो आप होली के दिन अपने नेल्स पर कुछ डार्क कलर की नेल पॉलिश पहनिए और कुछ जेल नेल पॉलिश को अप्लाई कीजिए। तो इससे क्या होते हैं, इससे हो जाती है कि आप जब होली खेलते हैं उसके रंग जो होती है डायरेक्टली आपके नेल्स पर नहीं पड़ती, तो आपके नेल्स पर कोई भी स्टेन नहीं आती है। तो हाँ, इस चीज़ों को फॉलो करें। तो नंबर फोर यही है कि जिन सब लड़कियों की बड़ी बड़ी नेल है, बिग नेल्स है, उन सब लड़कियों की जो प्रॉब्लम हो जाती है कि अंदर की नेल की जो पोर्शन हो जाती है, अंदर वाली पोर्शन पर कलर चली जाती है और उसे बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि पिछले साल मेरी हो गई थी प्रॉब्लम, एकदम में निकल नहीं रही थी, तो मुझे अब उसकी सलूशन मिल गई। तो हाँ, उसकी सलूशन यही है कि आप जब होली खेलने के पहले आपको जो नेल्स हैं, नेल्स की ये अंदर वाली पोर्शन पर आप वैसलिन अप्लाई करिए। तो वैसलिन अप्लाई करने से क्या हो जाती है, आपके अंदर वाली पोर्शन पे कोई भी कलर नहीं जाती, तो आपकी नेल्स एकदम अच्छी रहती है। तो दोस्तों टिप्स नंबर फाइव यही है कि आप अपने स्किन और आप अपने बालों को कंडीशनिंग और मॉइस्चराइज ज़रूर करें। क्योंकि हम जब अपने बालों पर आते हैं रंग खेलने के बाद, वॉश करने के बाद, मैंने बताई थी कि कोकोनट ऑयल ज़रूर इस्तेमाल करें। तो कोकोनट ऑयल से आपके बाल जैसे भी हो तो बालों को कंडीशनिंग मस्ट करें। क्योंकि कोकोनट ऑयल आप होली खेलने के पहले अप्लाई कर रहे हैं तो होली से वो थोड़ी सी आपके हेयर को ज़रूर बचाती है, लेकिन होली खेलने के बाद फिर भी हम सभी को जो प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार केमिकल रिएक्शन की वजह से आप अपने बालों उठने लगते हैं। ऐसे भी हो जाती है कि होली के कुछ दिन बाद से हम देखने लगते हैं आपके बाल बहुत ही ज़्यादा निकलने लगते हैं। तो इन समय क्या करना चाहिए, आपको अच्छे से कंडीशनिंग करनी चाहिए अपने हेयर को और आपके ये जो इरिटेशन वाली प्रॉब्लम मैंने बताई, तो इरिटेशन
इरिटेशन या इचिंग और जो भी है इन सब से बचने के लिए आपके स्किन पर ज़रूर कोई भी मॉइस्चराइज या बॉडी लोशन अप्लाई ज़रूर करें। दोस्तों अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, क्योंकि दूसरे टॉपिक एक ऐसी टॉपिक है जिस टॉपिक के वजह से हम अपने 2020 होली को अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं, तो वो टॉपिक है ये कोरोना वायरस की डर। हाँ दोस्तों, ये ज़रूर एक मेजर प्रॉब्लम है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कोरोना वायरस के लिए अब हमने होली को अच्छे से नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। लेकिन हाँ, हम कुछ आज मैं कुछ टिप्स ज़रूर देने वाली हूँ जिससे आप थोड़ी से सेफ होकर होली को मना सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले बता देना चाहती हूँ कि आप इस सब से बचने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है वीड एरिया से दूर रहिए या कंजेस्टेड एरिया से थोड़ी सी दूर रहिए, क्योंकि ये वायरस एक दूसरे के साथ साथ फैलती भी है, इसीलिए थोड़ी सी वीड को अवॉइड करके होली खेलिए। आप सिर्फ अपने घर के लोगों के साथ होली खेलिए तो आप ज़रूर अच्छे से होली मना पाएंगे। तो दोस्तों, मैं दूसरी बात यही कहना चाहती हूँ कि हमारे गवर्नमेंट जो है वो सब जिन सब रूल्स की बातें कर रहे हैं वो सब रूल्स को फॉलो करिए, वो सब रूल्स को मानिए, तो वो आपके लिए भी हेल्पफुल ज़रूर हो। तो दोस्तों, मैं उसके बाद कहना चाहती हूँ कि ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, ये जो चाइनीज़ चीज़ें हैं, इन सभी को थोड़ी सी अवॉइड करके आप होली खेल सकते हैं। आप इंडियन मेड चीज़ों को इस्तेमाल करके आप होली खेल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किससे आपकी वायरस कैसे आपके शरीर में आ जाए, आपके बॉडी पर इन्फेक्शन कर दे, तो ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के साथ खेलने के लिए, तो आप इससे थोड़े से दूर रहिए। और मैं लास्ट यही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी होली हर्बल प्रोडक्ट के साथ ज़रूर खेलें, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट से कुछ भी नहीं होती। हम सब जब देख सकते हैं बाज़ार में अभी बहुत सारे जगहों पर जो फूलों के जो कलर होती हैं वो मिल जाती हैं, तो आप उसे लेकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो, वो आपकी स्किन पर वो इन्फेक्शन भी नहीं करेंगी, वो कुछ भी नहीं करेंगी, आप उन सभी से होली खेल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे आखिरी में यही बताना चाहती हूँ कि आपकी इस साल की होली से होली हो और आप इस साल बहुत अच्छे से होली खेलें। आप होली खेलें अपने घर के लोगों के साथ और आपकी इस साल की होली अच्छी जाए। आप फॉलो करें मेरे टिप्स और जो रूल्स और रेगुलेशन है उसे भी ज़रूर फॉलो करें। सो बाय दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।